वो दुनिया है, देखो हुआ ना फायदा। चलो अब जल्दी से रेत जमा करो। मुखिया जी, आखिर लुटेरे जुड़वा कप्तान पकड़ में आ ही गए। लुटेरे? नहीं नहीं, हम तो बस रेत लेने आए थे। इस बार नहीं बचोगे तुम। ये देखो पैरों के निशान। बैठिए, पकड़ो इन्हें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुखिया जी, हमें बाहर निकालिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बंधु, इनके ऊपर नजर रखो, वो बंदर भी पास में ही होगा। बाकी साथियों, अब वक्त आ गया है इन लुटेरों की नैया डुबोने का। जुड़वा कप्तान, मगर तुम्हें तो हमने बंदी बना लिया था। बंदी तक तुम बनोगे अगर सोना नहीं दिया तो। तुम्हें महंगा पड़ेगा जुड़वा कप्तान। सुनहरे टापू का सोना पास हो तो दुनिया में कोई भी सौदा महंगा नहीं मुखिया। ये तो हमारे हमशक्ल है, पकड़ो इन बहरूपियों को। ओ अच्छा, यानी वो बच्चे सच कह रहे थे। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ, कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों दूर हटो, दूर हटो।
दुनिया पर सनसनी सनसुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना सोना बन जाएगा। क्या देखे जरा इस सनसुनहरी पोषण का कमाल। ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा। लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ। रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। आज उसने कितना क्रिसमस किया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू। हाँ शंकु, बिल्कुल सही कहा। अब कुछ आइसक्रीम हो जाए। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? हमारे लिए नहीं, उस्ताद के लिए थी। कोई बात नहीं, हम जाकर एक और ले आते हैं। सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। एक, दो, एक। कसरत सेहत के लिए अच्छी होती है भीम, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम। कालिया कहाँ है? उस तो गए, लेकिन उनका बर्ताव कुछ अजीब था। सिर्फ बर्ताव नहीं, उसका मुकुट भी। जरूर उसमें कोई राज छुपा है। तुम सही कह रही हो चुटकी, इसका राज मुकुट से ही खुलेगा। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का और जश्न कालिया मना रहे। सब एक एक करके बताओ हुआ क्या है। महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है, हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव।
ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। से मिलने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही होनहार है, जबरदस्त है और कम तनख्वाह लेते हैं। तो मिलिए काका कुकर से। हेलो बच्चों, ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा जी और उनके खास मेहमानों के लिए पेश है स्वादिष्ट गुलाब जामुन। Thank you.
तुमने तो कमाल कर दिया कुकड़। तुम्हारे हाथ से बना खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। शुक्रिया। राजकुमारी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है मैंने काका कुकड़ को कहीं देखा है। और ये गुलाब जामुन का स्वाद भी पास के होटल में मिलने वाले गुलाब जामुन जैसा ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काका पर जरा नजर बनाए रखो। ठीक है भी। काका कुकड़ क्या खिचड़ी पका रहा है। इसकी नजर दरअसल खाने पर नहीं, महल के खजाने पर है। इससे पहले कि वो पूरी प्लेट साफ कर दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो दोस्तों, जाके काका कुकड़ के कुकर की सीटी बजाते हैं। इसका नाम है ड्रम रोल प्लीज। आइए। गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या तुमने मेरे स्पेशल डिश को बुरा कहा? बिल्कुल, इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। तो बना के क्यों नहीं बताते? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें? क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं? कॉम्पिटिशन शुरू किया जाए। मैं जीत गया। इतनी जल्दी क्या है काका कुकर, पहले देख तो लो मैंने क्या बनाया है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट महाराज,
महाराज ये कोई शेफ नहीं है, ये है डाकू मंगल सिंह। वो सब तो ठीक है भीम, पर खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता। किसने कहा मुझे कुछ पकाना नहीं आता? मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा खाने वाली डिश बनाई है। क्या? उबले हुए आलू। राजू, मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग किससे भाग रहे हैं? कहाँ छुपे हुए हो? सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो। ये तो डाकू मंगल सिंह की आवाज है, लगता है उसे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। भीम, कहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ, बाहर आओ। तुमसे पंगा लेने आया है मायावी मंगल सिंह। अगर तुम नहीं आए तो मैं ढोलकपुर का ढोल बजा दूंगा। धक्टिंग, 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 मंगल सिंह, चले जाओ ढोलकपुर से, वरना। वरना क्या भीम है? वरना क्या? आज तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। तैयार हो जाओ जादुई धमाके के लिए। छप छपाती छन छन, टिप टिपाता धमाल, शैतानी फुर फुवारा। लगता है इसने किताब ठीक से नहीं पढ़ी। अरे ये बंद कैसे होता है? मायावी मंगल सिंह, जमीन के अंदर किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। मेरी गर्दन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू बैंगन मूंगफली, दीवार पे चिपके छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास, मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आएगा तो जरूर, मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? अरे जल्दी भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना। मैं कुछ नहीं लौटाऊंगा। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है और अब
ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। दुनिया का कोई भी पहलवान इसे दौड़ नहीं सकता। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम एक मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। गलती तुम्हारी थी और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल, मुझे मामूली डाकू समझ रखा है क्या? मैं मंगल सिंह हूँ। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। चलो मेरे साथ। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। ऐसे ही था। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जरूरत किस डाकू में है जो मेरे बिना ढोलकपुर को लूटे? तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर सामना करता हूँ। इन बच्चों को रोकना होगा, भून दो इन सबको। तुम लोग एक मिनट के लिए दोस्त बन ही गए हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों एक हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या एक हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। ये राजा हुआ करता था। एक दिन जंगल से जाते हुए पूरे जंगल में कचरा फैला रहा था। तुमने कचरा फैला के जंगल का कानून तोड़ा है। कानून मामूली लोगों के लिए होता है, हम राजा हैं। कानून सबके लिए समान होता है। मगर बेकार चीजें फेंकने के लिए ही तो होती हैं। गलत। या तो तुम सफाई करो या उसकी सजा भुगतो। कौन सजा देगा मुझे? कचरा फैलाना तुम्हें इतना पसंद है तो बन जाओ बदला मॉन्स्टर। खेत के
और ये आवाज कैसी? पर ये कचरे की बदबू। नष्ट हो जाएगा इसकी डकार से। अरे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। राजा जी, आपको आपकी आजादी और ये नया राज्य मुबारक हो। शुक्रिया बच्चों, मुझे वन रानी के श्राप से मुक्त करने के लिए। ये तो हमारा फर्ज था। और मैं भी अपना फर्ज निभाकर बेकार चीजों को फेंकने की बजाय रिसाइकल करूँगा। अब कालिया भी अपने टूटे खिलौने रिसाइकल करना सीख गया होगा, है ना?